फायदे की बात है। एक बात किसी से भी पूछो, ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये होता बनाई जाते, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल लाइन का हो, चाहे जाति आधारित गंडा का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए, इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है, तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। क्या अब आरएसएस की बात को नरेंद्र मोदी मानेंगे? आरएसएस डेफर हो गया, डेट सुप्रीम कोर्ट डेफर हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आपकी यात्रा को लेकर के कि 2025 में तेजस्वी उनकी पार्टी 25 पर सिमट जाएगी, आप उनके पूरे नहीं होंगे। अच्छा है, जो कामना सब लोगों को मिलते रहना चाहिए, जो भी बोल रहे हैं उससे क्या लेना देना है। हमारी यात्रा पे कह रहे हैं ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। आपने वीडियो ट्वीट किया है, आपने जो वीडियो ट्वीट किया है उसको लेकर क्या कहें? जो वीडियो डाला है आपने भी उस पर लिखा है कि मस्जिदों में यही तो है मारा जाए। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नजर आ रहा है। क्या है भाई आपका, गजब हिपोक्रेसी है। आपके यहाँ नेता दिन भर गाली देते रहते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, ऐसे ऐसे किचकुंजिये नेता, किसी का औकात नहीं है इन लोगों का, बस चमचागिरी में कुछ चाहता है कि कुछ बन जाए लोग। इन लोगों की कोई हैसियत है क्या? खाली लोगों को भड़का करके आगे करने वाले लोग, एक बार खुद कूद के तो दिखाए ना, अकेले बुझा जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।